एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ और विशेष खबरें। शिक्षिका को फांसी लगाकर मारने का प्रयास, शिक्षकों को बड़ी सौगात देगी यूपी सरकार, जाने क्या। दुधमुहे बच्चे के साथ बेमियादी अनशन करेगी शिक्षा मित्र। परिषदीय स्कूलों के विकास को कटिबद्ध है सरकार। बच्चों के हक पर शिक्षकों का डाका। परिषदीय विद्यालय की छत का प्लास्टर गिरा और हेडमास्टर। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का फिर कराएं नामांकन। प्रधानाध्यापिका ने प्राथमिक विद्यालय की बदल दी सूरत। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। शिक्षिका को फांसी लगाकर मारने का प्रयास। बड़ौत बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव स्थित स्कूल में तैनात शिक्षिका को उसके पति ने 3 तलाक देकर दूसरा निकाह कर लिया। पीड़ित शिक्षिका ने विरोध किया तो आरोपी पति ने उसे फांसी लगाकर मारने का प्रयास किया। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली बस स्टैंड से आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया। कोतवाली प्रभारी रवि रत्न सिंह ने बताया कि 15 दिन पूर्व क्षेत्र के एक स्कूल में तैनात शिक्षिका ने अपने पति के खिलाफ तलाक देकर दूसरा निकाह करने की शिकायत की थी। साथ ही तलाक व दूसरा निकाह करने का विरोध किए जाने पर फांसी लगाकर जान से मारने के प्रयास की तहरीर दी थी। पीड़ित की तहरीर पर जांच करके आरोपी जबर इकबाल पुत्र फारूक अली निवासी सिवालखास थाना जानी मेरठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोतवाली पुलिस को मुखबिर ने जानकारी दी कि आरोपी दिल्ली बस स्टैंड पर खड़ा है तथा कहीं भागने की फिराक में है। इस पर कोतवाली पुलिस ने उसे धर दबोचा और न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। शिक्षा चुनाव से पहले शिक्षकों को बड़ी सौगात दे सकती है यूपी सरकार। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। शिक्षक संगठनों की तरफ से उठाए जाने कुछ प्रमुख मुद्दों पर उच्च शिक्षा विभाग में गंभीर मंथन चल रहा है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होते ही इसकी घोषणा की जाएगी। महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदनाम देने पर सहमति बन चुकी है। वित्तीय व्यय भार का आकलन होने के बाद इस बारे में भी फैसला हो जाएगा। प्रदेश सरकार के सकारात्मक रुख को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ फुफुप्टा के आह्वान पर गत 5 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना भी दिया गया था। इसमें यूजीसी की संस्तुतियों के आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने, महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदनाम व वेतनमान दिए जाने, पीएचडी पर 5 व एमफिल पर 3 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिए जाने, केवल नो ड्यूज के आधार पर एकल स्थानांतरण की सुविधा दिए जाने तथा परीक्षा पारिश्रमिक की दरें संशोधित किए जाने समेत कई मांगें उठाई गई थीं। इससे पहले अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा संवर्ग के प्रभारी महेंद्र कुमार ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात करके एक मांग पत्र सौंपा था। यह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक है। इसमें भी महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदनाम देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी। उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदनाम देने पर आने वाले व्यवहार के संबंध में वित्त विभाग के साथ विचार विमर्श चल रहा है। वित्त विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद यह विषय कैबिनेट के समक्ष ले जाया जाएगा। इस मामले में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। पीएचडी व एमफिल डिग्रीधारी शिक्षकों को इंक्रीमेंट देने के प्रकरण में भी व्यवहार का आकलन किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने के मुद्दे पर भी कई स्तरों पर विचार चल रहा है। चुनाव की दृष्टि से सबसे प्रभावकारी होने के कारण इस मुद्दे पर भी फैसला होने की संभावना है। खंड फराह के प्राथमिक विद्यालय नगला अबुआ में शिक्षा मित्र राजेश मातृत्व अवकाश की स्वीकृति को दुधमुहे संघ 4 माह से कभी एबीएसए कार्यालय के तो कभी बीएसए कार्यालय के चक्कर लगाती फिर रही है। अब शिक्षा मित्र ने 20 अक्टूबर से मातृत्व अवकाश स्वीकृति के लिए बीएसए कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। शिक्षा मित्र राजेश ने बताया कि उसे 31 मई को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके लिए उसने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 6 महीने के मातृत्व अवकाश स्वीकृति हेतु 3 बार ऑनलाइन आवेदन किया और तीनों बार 3 अलग अलग तत्कालीन एबीएसए ने अस्वीकृत कर दिया। अंतिम बार में तत्कालीन एबीएसए प्रमोद कुमार सिंह द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए कहा कि श्रीमती राजेश वर्तमान में गर्भवती नहीं है, इनको बच्चा हो चुका है, इसलिए इन्हें मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। इसके बाद शिक्षामित्र राजेश 26 अगस्त को
खेम सिंह चौधरी संघ बीएसए से मिली परंतु राहत नहीं मिली। पीड़ित शिक्षा मित्र ने 20 अक्टूबर से अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर बीएसए कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष खेम सिंह चौधरी ने उत्पीड़न करने आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अनिश्चितकालीन धरने में शिक्षा मित्र भी बैठेंगे। प्रसिद्धि स्कूलों के विकास को कटिबद्ध है सरकार, सतीश चंद। वाराणसी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शुक्रवार को नीति आयोग के चयनित मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के प्रसिद्ध विद्यालयों में 124 स्मार्ट ब्लासेस का उद्घाटन किया। उन्होंने सेवापुरी ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय देहली व प्राथमिक विद्यालय हाथी तथा आराजी लाइन्स ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सुहरवा उत्तरी में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया और कायाकल्प के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विद्यालयों में कायाकल्प के कार्य की और बच्चों के शिक्षा स्तर की भी तारीफ किया। आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों के भ्रमण के दौरान उन्होंने टीएलएम मेले का अवलोकन किया और प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई से बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता में विकास होगा, इसके साथ ही उनके अंदर नवाचार के गुण भी विकसित होंगे। कहा कि वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है। स्मार्ट क्लासेस निजी विद्यालयों को तर्ज पर प्रसिद्धि विद्यालयों का विकास और अंग्रेजी मीडियम प्रसिद्धि विद्यालयों का संचालन कर सरकार ने देश के भविष्य के निर्माण के प्रति अपनी कटिबद्धता जाहिर की है। अब अध्यापकों के ऊपर भी नवनिहालों के चरित्र निर्माण को लेकर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा सेवापुरी मिर्जा मुराद प्रतिनिधि के अनुसार बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद द्विवेदी ने देहली विनायक की स्मार्ट क्लास में शिक्षा की गुणवत्ता परखी और स्कूल में लगाए गए टीएलएम प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालयों के सुंदरीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधान और अध्यापकों के प्रयासों की सराहना की। मौके पर बीईओ रमाकांत पटेल ने राज्य मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इसके बाद आराजी लाइन विकासखंड के सिहोरवा उत्तरी पहुंचे, जहां रसोईयां विद्यालय ग्राउंड सहित अन्य का अवलोकन आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मोंगवार प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 3 की छात्रा रितिका यादव ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों व मंडल का नाम एक स्वर में बताया और छात्र अनुज यादव ने राज्यों और ग्रहों का नाम बताया, जिस पर मंत्री ने दोनों बच्चों को सम्मानित किया। वहीं प्राथमिक विद्यालय हाथी प्रथम बेसहूपुर कंपोजिट विद्यालय अमिनी और ठठरा के प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया, जहां कक्षा 8 के छात्र अर्पित से पौधों से फायदे के बारे में पूछा। बच्चों के हक पर शिक्षकों का डाका, एक फल के 6 टुकड़े कर हो रहा वितरण, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। औरैया, बच्चों के हक पर शिक्षकों का डाका, एक फल के 6 टुकड़े कर हो रहा वितरण, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 200 ml दूध की जगह 50 ml दूध का वितरण, जैतापुर इंग्लिश मीडियम विद्यालय का मामला। और यह बच्चों के हक पर शिक्षकों का डाका, एक फल के 6 टुकड़े कर हो रहा वितरण, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 200 ml की जगह 50 ml दूध का वितरण, जैतापुर इंग्लिश मीडियम विद्यालय का मामला। दोस्तों, यह समाचार जो है ट्वीट के माध्यम से है। ताकत ब्लॉक क्षेत्र के पचवर गाँव में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के ऑफिस कमरे की सीलिंग का प्लास्टर शनिवार को स्कूल समय में गिर गया, जिससे विद्यालय के हेडमास्टर देवेंद्र कुमार पाठक उर्फ राजू बाल बच गए। हेडमास्टर ने बताया कि वह ऑफिस में बैठकर कागजी कामकाज निपटा रहे थे और बगल वाले कमरे में छात्र और सहायक शिक्षिका अर्चना देवी थी। करीब 9:45 बजे अचानक सीलिंग के प्लास्टर का टुकड़ा उनकी कुर्सी के ठीक बगल में गिरा। उसके बाद देखते ही भरभराकर कई टुकड़े गिरने लगे। हेडमास्टर ने बताया कि उन्होंने कमरे से भागकर अपनी जान बचाई। घटना से विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। हेडमास्टर ने बताया गांव के पूर्व प्रधान ने 6 महीने पहले ही सीलिंग का प्लास्टर कराया था। घटना की सूचना खंड शिक्षा अधिकारी राजेश यादव समेत शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को दी गई है। गाँव की यादव बस्ती में स्थित इस प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक में कुल 27 छात्र नामांकित हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए हेडमास्टर राजू पाठक और एक सहायक अध्यापिका अर्चना देवी की नियुक्ति की गई है। ठाकुर देहात बीआरसी परिसर में शारदा अभियान के तहत शिक्षकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के पहले दिन शुक्रवार को उन्हें बताया गया कि ड्रॉप आउट एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर उनका कक्षा स्तर के अनुसार दाखिला करें। अकबरपुर बीआरसी में प्रशिक्षण के दौरान जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि शारदा अभियान में बच्चों को चिन्हित करने के लिए पूरा प्रयास ठीक स्तर से होना चाहिए। इसके बाद उनका नामांकन कर शैक्षिक स्तर में सुधार लाने पर चर्चा होनी चाहिए। एसआरजी आनंद त्रिवेदी ने कहा कि आर्थिक, सामाजिक व शारीरिक समस्याओं के कारण ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए काम करने की जरूरत है। खंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार विश्वकुमार ने कहा कि मेहनत करने पर ही धरातल पर शारदा अभियान दिखेगा। कुलदीप सैनी, आलोक श्रीवास्तव, भानु सिंह, अग्रेश कुमार, विकास सिंघल ने प्रशिक्षण दिया। हमीरपुर शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
करीमाटी के प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका रमा सिंह ने कुछ ही समय में विद्यालय की रौनक बदल दी है। मेहनत व लगन के चलते विद्यालय में पुस्तकालय तैयार किया है। यहाँ हजारों की संख्या में पुस्तकों का संग्रह है। पौधरोपण से विद्यालय परिसर में हरियाली है। सौखर ग्राम पंचायत के मजरा कारीमाटी में संचालित प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015-16 से प्रधानाध्यापिका रमा सिंह को तैनाती मिली। रमा बताते हैं कि विद्यालय को संवारने का बीड़ा उठाया। शुरुआत पौधरोपण से की। परिसर में सहजन, आंवला, अमरूद, पीपल, बरगद, अर्जुन, सागौन सहित कई पौधे लगाए। एकल कक्ष का निर्माण कराया। अपने पास से एक पुस्तकालय खोला है। इसमें बालकुमारी, अपना गीत, शेर और मिट्टू, भीम भाई की कमीज, मोरपंख, इंद्रधनुष सहित कई पुस्तकें बच्चों के लिए हैं। वहीं आध्यात्मिक पुस्तकों में प्रेम दर्शन, परमार्थ की मंदाग्नि, गृहस्थ में कैसे रहें, सागर के मोती, ज्ञान के दीप जले, जीवन का कर्तव्य, कल्याणकारी प्रवचन आदि उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।